हेलो फ्रेंड्स, माइंड फॉर स्पोकन में आप सभी का वेलकम स्वागत है। एक बार फिर मैं जीत, आई विल टीच यू टुडे नाउन। व्हाट इज नाउन? व्हाट इज द एसेंशियल्स ऑफ नाउन? काइंड्स ऑफ नाउन यू डोंट नो, सो वी विल यूज ऑफ टुडे नाउन। बट हाउ कैन यूज ऑफ नाउन इन कॉम्पिटिशन यू डोंट नो, एंड यूपीएससी, एसएससी, रेलवे एंड मैनी टाइप्स ऑफ फील्ड वी कैन यूज ऑफ नाउन। नाउन को पढ़ने से पहले हम नाउन की एसेंशियल देखते हैं, थिंग्स क्या होती है एसेंशियल थिंग्स। आज आपको मैं नाउन पढ़ाने जा रहा हूँ, और नाउन का प्रयोग करने से पहले नाउन आया कहाँ से, नाउन बना कहाँ से, नाउन होता क्या है। तो आपके लिए इंग्लिश की क्लासेस ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आसानी से आप नाउन को सीख जाओगे। मैं रूल उल आपको नहीं पढ़ाऊंगा, बिल्कुल फैक्ट पर आपको ले चलता हूं कि नाउन होता क्या है। तो बेसिकली आज की जो हमारी क्लासेस है वो है नाउन। इट्स ओके, क्या है नाउन? इट्स ओके। नाउन पढ़ने से पहले नाउन का कार्य क्या होता है? इट्स ओके। नाउन पढ़ रहे हैं, नाउन का फायदा क्या है? तो सभी फ्रेंड्स से मेरा ये कहना है कि बेसिकली पेन और कॉफी आप निकाल लीजिए। नाउन को पढ़ने से पहले नाउन की एरर कैसे निकालते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, तो देखते रहिए, ठीक है ना। तो बेसिकली नाउन पढ़ने से पहले आपको कुछ मैं स्ट्रक्चर बताऊंगा, उस स्ट्रक्चर से आपको गुजरना पड़ेगा। जो मैं स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, जितनी भी हम ग्रामर पढ़ते हैं सब में रहता है सब्जेक्ट, सभी में आपकी रहती है वर्ब, और सभी में आपका रहता है अदर वर्ड। सब्जेक्ट का काम कौन करता है? नाउन। सब्जेक्ट का काम कौन करता है? नाउन। सब्जेक्ट की बात करें तो राम, श्याम, लता। सब्जेक्ट होता क्या है वो मैं आपको आने वाली क्लास में बताऊंगा कि सब्जेक्ट होता क्या है। वर्ब अदर वर्ड सब में रहता है। प्रोजेक्टा पढ़ो, इतिहास की लाइन पढ़ो, चाहे आप यूपीएससी की ग्रामर पढ़ो, एसएससी की जितने भी ग्रामर है सब में मिलेगा आपको सब्जेक्ट, वर्ब, अदर वर्ड। इट्स ओके। चाहे कुछ भी आप पढ़ते हो, हिंदू का बड़ा लाइन पढ़ो, कुछ भी आप पढ़ते हो, सभी में सब्जेक्ट रहता है, वर्ब रहती है, अदर वर्ड रहता है। पढ़ने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो होता है वो होता क्या है। तो बेसिकली नाउन पढ़ने से पहले नाउन की एसेंशियल थिंग्स देखते हैं कि व्हाट इज अ, कि व्हाट आर द एसेंशियल, क्या है, What are the essential things? What are the essential things of noun? Noun की essential things क्या होती है? Noun को पढ़ तो रहे हैं किंतु noun की essential, noun आया कहाँ से, noun का जन्म कहाँ से हुआ, ये हम पढ़ेंगे। आप सभी को noun पता तो है कि noun होता क्या है, तो noun आया कहाँ से, सबसे पहली चीज फैक्ट नंबर वन। तो noun का जो निर्माण हुआ बेटा वो हुआ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट से। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट नहीं होते तो noun नहीं बनता। noun पढ़ने से पहले noun की डेफिनेशन हम देखते हैं। तो noun होता क्या है? तो noun एनी नेम्स ऑफ noun, इट्स ओके। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट से आपका नाउन बना। कैसे? तो राम की बात करें हम, किसी भी पेन की बात करें, इस पेन की, ये नाउन भी है और ऑब्जेक्ट भी है। राम एक नाउन भी है किंतु कौन सा नाउन है? प्रॉपर नाउन, इट्स ओके। और एक सब्जेक्ट भी है। तो आपको मैं बताने जा रहा हूं कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट से क्या बना आपका, बेसिकली नाउन। क्या बना? नाउन बेटा, सभी को फोकस करना है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट से आपका जो बनता है वो बना है नाउन। यदि हम बात करें नाउन का काम कौन करता है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। दूसरा, यदि नाउन नहीं होता तो उसकी जगह कौन काम करता है? प्रोनाउन, इट्स ओके। नाउन से कौन बना? प्रोनाउन। ये भी किसका काम करेगा? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का, ध्यान रखना। इट्स ओके, नाउन आपको मैं पढ़ा रहा हूं, फोकस करा रहा हूं, इट्स ओके, आपको ध्यान समझना है। नाउन का काम कौन करता है? आपका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। प्रोनाउन का भी काम कौन करता है? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। ये नहीं होते तो ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट उसकी जगह काम कर जाते हैं। अब आप नाउन से आपका प्रोनाउन बना, इट्स ओके। दूसरा, यदि नाउन और प्रोनाउन अब्सेंट रहते हैं तो नाउन और प्रोनाउन से जो आपका बनता है वो बनता है नाउन इक्विवेलेंट। नाउन इक्विवेलेंट होता क्या है? तो नाउन इक्विवेलेंट, इट्स ओके, नाउन इक्विवेलेंट मतलब नाउन और प्रोनाउन के समान
नाउन और प्रोनाउन के समान जो रहता है वो कहलाता है नाउन इक्विवेलेंट। क्या कहलाता है बच्चों? नाउन इक्विवेलेंट, नाउन और प्रोनाउन के समान। अब नाउन और प्रोनाउन के समान मतलब आपके घर में आपके परदादा जी बात करें तो वो आपके नाउन है, आपके इट्स ओके। आपके प्रोनाउन जो है वो आपके पापा, और नाउन इक्विवेलेंट मतलब आप खुद। यदि हम बात करें कि आपके परदादा अब्सेंट रहते हैं घर में, जिनको हम कहते हैं नाउन, तो उनकी जगह कौन काम करता है वहां पे? कौन काम कर जाता है बच्चों? प्रोनाउन। कौन काम करता है? प्रोनाउन। यदि दोनों ही अब्सेंट रहते हैं, नाउन और प्रोनाउन दोनों ही अब्सेंट है, तो उनकी जगह कौन काम करेगा? नाउन इक्विवेलेंट। नाउन इक्विवेलेंट मतलब नाउन और प्रोनाउन के समान। समझ में आया? दादाजी अब्सेंट है तो कौन कहेगा कि हाँ मैं हूं? आपके पापा क्या कहेंगे? हाँ मैं हूं। यदि दोनों अब्सेंट है तो आप क्या कहेंगे? मैं हूं, मुझे बताओ सारी चीजें। तो बेसिकली नाउन के समान, नाउन और प्रोनाउन के समान नाउन इक्विवेलेंट। इसके कितने भाई? चार। इट्स ओके। अब देखो बच्चों, यहां पर नाउन इक्विवेलेंट से आपका जो बनता है वो बनता है जिरंड। जिरंड होता क्या है? तो जिरंड नहीं होता है तो वो भी काम किसका करता है? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का। किसका काम करता है? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का। नाउन से ही आपका जिरंड बना। इट्स ओके। प्रोनाउन से जिरंड, नाउन इक्विवेलेंट। इट्स ओके। नाउन जिरंड, जिरंड मतलब वर्ब की कौन सी फॉर्म? फोर्थ फॉर्म। इट्स ओके। जिसे आप कहते हो V1+ING। इट्स ओके। जिरंड। स्मोकिंग इज द इंजूरियस, तो स्मोकिंग इज द जिरंड। इट्स ओके। तो यहां पर जो जिरंड है वो वर्ब की फोर्थ फॉर्म, जिसे वर्ब में आप ing कहते हो उसे जिरंड कहा जाता है। दूसरा, इससे जो बनता है आखिरी में जिरंड के बाद जो बना वो बना आपका इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव की बात करें तो इन्फिनिटिव, इट्स ओके, फिनिटिव्स। इन्फिनिटिव मतलब टू, V1+2, इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव टू। इन्फिनिटिव का कार्य क्या होता है? तो सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट में जो बदलता है उसे इन्फिनिटिव कहा जाता है। अब हम बात करें, सेंटेंस हमने यहां पर लिखा आई गो वॉक हमने लिखा। यहां पर आई गो वॉक सेंटेंस राइट है या रॉन्ग, तो आपको पहचानना है सेंटेंस रॉन्ग, क्योंकि एक सेंटेंस में कभी भी दो वर्ब नहीं आते। तो यह सेंटेंस क्या हो गया? रॉन्ग। अब हमको क्या करना है? इन्फिनिटिव लगाना है और ऑब्जेक्ट सही करना है, ठीक है ना? तो आई गो और यहां पे क्या लग जाएगा? टू वॉक। इट्स ओके। अब यहां पर एक वर्ब है और यहां पे ये क्या कहलाया? ऑब्जेक्ट। इज अ, ये क्या है? वर्ब। इट्स ओके। समझ में आया? ये टू लग गया, ऑब्जेक्ट बन गया। तो इन्फिनिटिव का कार्य क्या होता है? इन्फिनिटिव मतलब टू। इट्स ओके। वाक्य में टू लग जाता है तो वर्ब से ऑब्जेक्ट में परिवर्तित हो जाता है, जिसे इन्फिनिटिव कहा जाता है। समझना है, जिरंड वर्ब में आईएनजी, वर्ब में आईएनजी। स्मोकिंग इज अ डेंजरस। इट्स ओके। तो स्मोकिंग इज अ जिरंड, ध्यान रखना। अब यहां पे नाउन इक्विवेलेंट मतलब नाउन और प्रोनाउन के समान। नाउन अब्सेंट रहता है तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वहां पर काम करता है, वही प्रोनाउन भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का कार्य करता है। नाउन इक्विवेलेंट, नाउन और प्रोनाउन के समान, नाउन इक्विवेलेंट। इट्स ओके। जिसके बाद जो आपका यूसेस होता है वो होता है जिरंड। जिरंड मतलब वर्ब की फोर्थ फॉर्म, जिसे आप आईएनजी, स्मोकिंग इज अ इंजूरियस फॉर हेल्थ, तो यूसेस करते हैं ना, तो वो वर्ब में आईएनजी मतलब जिरंड, और इन्फिनिटिव मतलब वाक्य में टू। आई गो वॉक सेंटेंस गलत रहेगा, क्योंकि यहां पर गो भी वर्ब, वॉक भी वर्ब, तो दोनों सेंटेंस में एक सेंटेंस क्या आ गया? दो वर्ब आ गई, सेंटेंस गलत हो गया। हमको ऑब्जेक्ट बनाना है तो इन्फिनिटिव का प्रयोग करना है हमको। आई गो टू वॉक, सेंटेंस में गो वर्ब हो गई, वॉक ऑब्जेक्ट हो गया, टू इन्फिनिटिव। इट्स ओके। तो ये आपको इस स्ट्रक्चर से, माध्यम से मैं आपको बता रहा हूं कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट नहीं होते तो प्रोनाउन नहीं होता, नाउन नहीं होता, नाउन इक्विवेलेंट। मतलब ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, ग्रामर पढ़ लो, हिंदू का लेख पढ़ो, आप जो भी पढ़ते हो सब में आपको सब्जेक्ट मिलेगा, ऑब्जेक्ट मिलेगा, सभी में आपको इसमें मिलता ही है। इट्स ओके। क्लियर बता लीजिए बच्चों। इट्स ओके। आगे पढ़ने से पहले मैं आपको फैक्ट पढ़ाता हूँ कुछ। नाउन को आपको पढ़ना है। इट्स ओके। पेन काफ़ी निकाल लीजिए और लिख लीजिए इन चीज़ों को सभी को।
आगे यहां पर नाउन पढ़े तो नाउन होते क्या है, तो नाउन पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि एनी नेम्स ऑफ नाउन, एनी नेम ऑफ नाउन, एनी नेम ऑफ नाउन, जो भी आप देखते हो, जो भी आप पढ़ते हो, जो भी आप सोचते हो, सब नाउन है। बात करें एनी नेम ऑफ नाउन, इट्स ओके। हम बात करें फैन, नाउन है। वुड, नाउन है। इट्स ओके। वुड नाउन है। पैन नाउन है। इट्स ओके। पैन नाउन है। राम नाउन है। दहली नाउन है। मतलब जो भी आप देखते हो, पढ़ते हो, एनी नेम ऑफ नाउन, सब आपके नाउन होते हैं। सभी जो भी आप देखते हो, पढ़ते हो, सुनते हो, सब आपके नाउन है। एनी नेम ऑफ नाउन सभी को क्या कहा जाता है? नाउन। एक फैक्ट आपको बता रहा हूं, एनी नेम ऑफ नाउन। आपसे कोई भी पूछता है कि नाउन है या नहीं, चेयर नाउन है, पेन आपका नाउन है, वुड आपका नाउन है, राम नाउन है, दहली नाउन है, एनी नेम ऑफ नाउन सब आपका नाउन है। किंतु इन नाउनों को आपको ग्रुप्स के अनुसार डिवाइड किया गया है, बांटा गया है भागों में, अलग अलग भागों में इनको बांटा गया है। कैसे बांटा गया है आगे मैं आपको बताऊंगा। उतार लीजिए एनी नेम ऑफ नाउन, आगे चलते हैं। अब नाउन तो हम पढ़ रहे हैं, किंतु कौन कौन से ऐसे नाउन हैं जो कि काउंट की कैटेगरी में आते हैं, और ऐसे कौन कौन से नाउन हैं जो कि अनकाउंटेबल की कैटेगरी में आते हैं? तो देखिए, इधर जो मैं बताता हूँ, काउंट की बात करें हम, काउंटेबल, काउंटेबल ऐसे नाउन जिनको गिन सकते हैं, और यहाँ पे लिखा हमने अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। तो आपका सबसे पहला जो नाउन रहता है काउंटेबल, जिनको हम गिन सकते हैं, पहला प्रॉपर नाउन भी आपका काउंटेबल की कैटेगरी में आता है, पहला। दूसरा कॉमन, कॉमन नाउन की बात करें, ये भी आपका काउंटेबल रहता है। जिसके बाद आपका कलेक्टिव नाउन, ये भी आपका क्या रहता है? काउंटेबल रहता है। ये तीनों ऐसे नाउन हैं जो कि काउंटेबल की कैटेगरी में आते हैं, जिनको आप काउंटेबल नाउन कह सकते हो। तो ध्यान रखना, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन ऐसे नाउन हैं जिनको काउंटेबल नाउन के नाम से भी जाना जाता है, जिनमें हम गिन सकते हैं, इट्स ओके, उनकी संख्या बता सकते हैं। काउंटेबल के अंतर्गत तीन आपके नाउन आते हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन। दूसरा अनकाउंटेबल की बात करें बच्चों, तो अनकाउंटेबल के अंतर्गत सिर्फ आपके दो नाउन आते हैं, जिन्हें कहते हैं एक मटेरियल नाउन, क्या कहा जाता है? मटेरियल नाउन। दूसरा आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब ये ऐसे दो नाउन हैं जो कि अनकाउंटेबल होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, और ये तीन ऐसे नाउन होते हैं जो कि काउंटेबल होते हैं। अनकाउंटेबल की बात करें तो मटेरियल पदार्थ नहीं गिन सकते, अब्स्ट्रैक्ट भाव फीलिंग्स को नहीं गिन सकते, इट्स ओके। अब्स्ट्रैक्ट मीन्स भाववाचक संज्ञा, मटेरियल मीन्स पदार्थवाचक संज्ञा, कलेक्टिव मीन्स समूहवाचक संज्ञा, कॉमन जातिवाचक संज्ञा, प्रॉपर व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तियों को गिन सकते हैं आप कॉमन में, जाति को आप बता सकते हैं, गिन सकते हैं, कलेक्टिव समूह को आप गिन सकते हैं, किंतु आप पदार्थ को नहीं गिन सकते, भावों को आप नहीं गिन सकते। तो इन दोनों को आपसे कोई भी पूछे कि अनकाउंटेबल आपको बताना है, तो आपको दो नाउन बताना है, कौन कौन से? एक आपका रहता है मटेरियल नाउन, और दूसरा जो आपका रहता है वो रहता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। इन दोनों को आपको अनकाउंटेबल नाउन बताना है, और इन तीनों को आपको काउंटेबल नाउन बताना है। नाउन पढ़ने से पहले नाउन की और चीजें मैं आपको बताता हूं। नाउन ऐसे कौन कौन से ऐसे नाउन हैं जिनमें आर्टिकल लगता है 90%, और ऐसे कौन कौन से आर्टिकल हैं जिनमें आर्टिकल नहीं लगता 90%। पहला प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन में यूसेस नहीं किया जाता 90%, 90% नो आर्टिकल, नो आर्टिकल शुड बी यूज, no article should be used। ध्यान रखना, 90% proper noun में article का प्रयोग नहीं करोगे, 10% कहाँ करते हैं मैं आपको बताऊंगा।
90% आप प्रॉपर नाउन में आर्टिकल नहीं लगाओगे, आर्टिकल मिल गया सेंटेंस गलत हो गया। दूसरा कॉमन नाउन, कॉमन की बात करें तो कॉमन नाउन में हमेशा 100% आप आर्टिकल का यूसेस कर सकते हो। आर्टिकल, आर्टिकल शुड बी यूज, शुड शुड बी यूज, आर्टिकल का यूसेस करोगे। कॉमन नाउन में 100% आप आर्टिकल लगाओगे, आर्टिकल लगेगा ही सही। तीसरा कलेक्टिव, कलेक्टिव की बात करें तो कलेक्टिव नाउन में भी आप यूसेस कर सकते हो। कितने परसेंट का? तो 100%। कितने परसेंट? 100% आप यूसेस करोगे आर्टिकल का, शुड बी यूज, शुड बी यूज, 100% आर्टिकल का यूसेस करोगे आप कॉमन नाउन में, कलेक्टिव में। दूसरा फोर्थ वाला आप देखिए, अबस्ट्रैक्ट नाउन, अबस्ट्रैक्ट नाउन, अबस्ट्रैक्ट नाउन में आप किसका यूसेस करते हो? तो 90% आप यूसेस करते हो आर्टिकल का, आर्टिकल शुड बी यूज, आर्टिकल शुड बी यूज प्रॉपर नाउन 90%। अबस्ट्रैक्ट नाउन में नहीं करते हो, नो नो कर सकते हो यहाँ पे, नो आर्टिकल, नो आर्टिकल शुड बी यूज, इट्स ओके। 90% 100% ही यूज नहीं करते हो। यदि आपको अबस्ट्रैक्ट नाउन में आर्टिकल मिल गया, सेंटेंस गलत हो गया। फिफ्थ मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन को पढ़ने से पहले आपको समझना है कि इसमें आर्टिकल करना है प्रयोग या नहीं करना है। तो आपको 100% इसमें नो आर्टिकल शुड बी यूज, नो आर्टिकल शुड बी यूज, इसमें 100% आप यूसेस नहीं करते हो आर्टिकल का। 10% करते हो, या 90% भी आप कह सकते हो कि 90% नहीं करते, 10% कहाँ करते हो वो मैं आपको बताऊंगा, किंतु आर्टिकल नहीं लगाते इसमें। तो ध्यान रखना, प्रॉपर नाउन में 90% आर्टिकल नहीं लगता, 10% कहाँ लगता है मैं आपको बताऊंगा। कॉमन नाउन में 100% आर्टिकल का यूसेस नहीं करोगे, आर्टिकल शुड बी यूज, इट्स ओके। बात करें तो 100% यूसेस करोगे आर्टिकल का यहाँ पे। कलेक्टिव नाउन में आप यूसेस करोगे 100% आर्टिकल का, अबस्ट्रैक्ट नाउन में 90% आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता, और मटेरियल नाउन में 90% आर्टिकल का यूसेस नहीं किया जाता। 10% कहाँ करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा आने वाले सेंटेंस में। ये तो हो गए आपके नाउन की, आर्टिकल की बात करें, इट्स ओके उतार लिया। दूसरा नाउन पढ़ने से पहले कि नाउन के प्रकार कैसे बताएं, कि कौन सा नाउन क्या है। पेन की बात करें तो पेन को हम कैसे पहचाने कि नाउन कौन सा है, इट्स ओके। हमको नाउन पढ़ने से पहले एक चीज से गुजरना पड़ेगा, एक स्ट्रक्चर से। मान लीजिए यहाँ पे एक मैं गोड बना देता हूँ, मान लीजिए यहाँ पर एक गोड है, गोट, इट्स ओके। हम एक गोट की बात करें तो सबसे पहली चीज, नाउन को आइडेंटिफाई करने से पहले, ये जो गोट है, जब इस गोट का जन्म होता है तो यहाँ कौन सा नाउन रहती है। तो बेसिकली इस गोट का जन्म हुआ तो सबसे पहले ये जो गोट थी, सबसे पहले किसी का जन्म होता है तो वहाँ रहती है आपकी कॉमन नाउन। कौन सी रहती है? कॉमन नाउन। कौन सी नाउन है? कॉमन नाउन। जन्म हुआ कॉमन, आपका जन्म हुआ तो बच्चों कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन। चाहे वो बॉय हो, चाहे गर्ल्स हो, कोई भी हो, जिसका जन्म होता है वो किस में रहता है? कॉमन में, पहला। दूसरा, अब इस गोट का जन्म हुआ, अब जब गोट का जन्म हुआ तो बच्चों ये कहाँ जाएगी? भीड़ में, अपने फैमिली के साथ जाएगी। आपका जन्म हुआ, आप भीड़ में गए बच्चों, इट्स ओके, गए या नहीं गए बच्चों, ठीक है ना। इसी तरीके से जो गोट हैं ये भी भीड़ में गई, तो इसका जन्म हुआ तो ये कहाँ गई? भीड़ में। अब भीड़ में जैसे ही गई तो बन गई कलेक्टिव। कॉमन का हिंदी अर्थ होता है जाति वाचक संज्ञा, जाति वाचक संज्ञा। दूसरा, आप यदि ये भीड़ में चली गई तो बन गई कलेक्टिव नाउन। कौन सा नाउन बन गई? कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव का बात करें तो यहाँ समूह में चली गई, समूह वाचक संज्ञा, ध्यान रहे। तो समूह वाचक संज्ञा मतलब कॉमन में थी, इसके बाद यहां कहां चली गई? दोस्तों के पास। जैसे ही यहां इसके फ्रेंड्स के पास चली गई गोट,
तो भीड़ में चली गई ना, और भीड़ में जैसे ही गई तो बन गई कलेक्टिव। तो समूह को जो दिखाता है वो सभी कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत आता है। तीसरा, अब जब यहां समूह में चली गई तो इसको पहचानने के लिए कुछ तो चाहिए। मान लीजिए ये टॉमी ही है या गोट है, तो इसको एक नाम दे दिया गया। मैंने कहा ए गोट इधर आओ, तो कौन सी गोट है भीड़ में, हमको पहचानने के लिए इसका कुछ नाम तो देना पड़ेगा ना। कैसे पहचानेंगे कि गोट, अब आपका जन्म हुआ था बेटा, आप भीड़ भाड़ में चले गए, कलेक्टिव बन गए, कॉमन में कब थे जब जन्म हुआ था, फिर आपका नाम रख दिया गया। क्यों रख दिया गया, क्योंकि मैं बोलूंगा ए वॉइस इधर आओ, तो कौन सा वॉइस आएगा, तो आपको एक नाम दे दिया गया, मतलब एक प्रॉपर नाम दे दिया गया। तो जिस चीज का आपको नाम दे दिया जाए वह नाउन जो होती है वो होती है आपकी प्रॉपर नाउन। कौन सी होती है, प्रॉपर नाउन। इट्स ओके, अब इस गोट का नाम दे दिया गया टॉमी, भीड़ में क्या दे दिया गया, टॉमी, इसका टॉमी नाम दे दिया गया, तो टॉमी फट से यहां आकर के खड़ी हो गई। इट्स ओके, तो जब किसी का नाम दे दिया जाए तो वहां सभी प्रॉपर नाउन कहलाता है। अब इस गोट का नाम दे दिया गया, पहले जन्म हुआ कॉमन, फिर इसको समूह में चली गई बन गई कलेक्टिव, नाम दे दिया गया इसका टॉमी तो बन गई प्रॉपर। अब क्या हुआ कि इस गोट को क्या करना है, ईद आ गई तो इसको क्या कर दिया गया, सेल कर दिया गया, और सेल करने के बाद इसका क्या बना दिया गया, इसको काट दिया गया। इस गोट को क्या कर दिया गया, काट दिया गया। तो काटने के बाद इसके अलग अलग हिस्से बन गए, मतलब टुकड़ों में बट गई। इट्स ओके, तो जो कि टुकड़ों में विभाजित हो जाता है वो कौन सा, मतलब इसका मटन बन गया आप कह सकते हो। तो जब इसका मटन बना तो बेटा पदार्थ हुआ चक बन गई, टुकड़ों में विभाजित हो गई, तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन थी, सॉरी यहाँ पे थी प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन के बाद इसके टुकड़े कर दिए गए। तो जिस चीज के टुकड़े कर दिए जाए, जिस चीज को बांट दिया जाए अलग अलग भागों में, वो कौन सी नाउन होती है बच्चों, तो वहां जो नाउन हो जाती है वो मटेरियल नाउन। कौन सी नाउन होती है, मटेरियल नाउन। मटेरियल की बात करें तो मटेरियल नाउन बन गई, अलग अलग भागों में बांट दिया गया तो कौन सा नाउन बन गया, मटेरियल नाउन। इट्स ओके, कौन सा नाउन बन गया, मटेरियल, मतलब इसका मटन बन गया। तो भागों में जिसको बांट दिया जाए टुकड़ों में, वो कौन सी नाउन बन जाती है, मटेरियल। अब ये बन गई आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा और ये बन गई आपकी पदार्थवाचक संज्ञा। इट्स ओके, हो गए। अब इसको काटने के बाद, टुकड़ों में विभाजित करने के बाद, आफ्टर, इट्स ओके, क्या हुआ, अब इसको क्या कर दिया गया, फ्राई कर दिया गया। अब जब फ्राई किया गया तो लाखों लोगों को वहां, जब फ्राई किया गया तो जिस रूम में वहां फ्राई हो रही थी उससे एक फिट दूर, एक कोस दूर लोगों को पता चल गया कि कुछ ना कुछ क्या हो रहा है, फ्राइंग हो रहा है। तो लोगों को वहीं से सूझ पड़ने लगी कुछ ना कुछ फ्राइंग। और जब फ्राइंग होता है तो वो किससे पहचानने लगे, स्मेल से। स्मेल मतलब भाव, तो जो चीज भाव से पहचानी जाए, फीलिंग्स से पहचानी जाए, उस सभी नाउन को कहा जाता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या कहा जाता है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या कहा जाता है, अब्स्ट्रैक्ट मीन्स भाववाचक संज्ञा। हो गई समझ में आया। तो पहले जो गोट था, जन्म था तो कॉमन थी बेटा, जब जन्म हुआ तो कौन सी नाउन थी, कॉमन। जब भीड़ में चली गई तो क्या बन गई, कलेक्टिव नाउन। और जब इसका एक व्यवस्थित नाम रख दिया गया तो कौन सी नाउन बन गई, प्रॉपर नाउन। कौन सी नाउन बन गई, प्रॉपर नाउन। फिर इसको सेल करके टुकड़ों में विभाजित कर दिया गया इस गोट को, तो कौन सी बन गई, मटेरियल नाउन। अब इसको फ्राई कर दिया गया, और जब फ्राई कर दिया जाए किसी चीज को और इसको स्मेल से पहचाना जाए तो वो बन जाती है आपकी अब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। समझ में आया, ये पेन है, इसको मैंने बनाया, पेन अभी बना ही है, जन्म हुआ है मान सकते, तो पेन कौन सा नाउन है, कॉमन नाउन बेटा। इट्स ओके, पेन्स कॉमन नाउन, नाम रख दिया गया तो पेन, सेलो की पेन, अब नाम रख दिया गया तो बेटा कौन सा नाउन है, प्रॉपर नाउन। कौन सा नाउन है, प्रॉपर नाउन। अब इस पेन के टुकड़े कर दे हम, भागों में बांट दे, तो कौन सा नाउन बनेगा बेटा, मटेरियल नाउन। क्या बनेगा, मटेरियल नाउन। हमने कहा चेयर, तो चेयर अभी जन्म हुआ है, बनाया है चेयर को, बनाया गया है कंपनी से, अभी बनाया गया है, तो चेयर आप कौन सा नाउन बताएंगे, अब कॉमन चेयर। इट्स ओके, अब मैंने कहा किस, मुझे
शुभ की चेयर चाहिए। शुभ एक नाम हो गया, तो नाम जब बन जाता है किसी चीज का तो वो कौन सा नाउन कहलाती है बेटा? प्रॉपर नाउन। इसके टुकड़े कर दो, बांट दो इसको, तो कौन सा नाउन बन जाएगा? मटेरियल नाउन। कौन सा नाउन बन जाएगा? मटेरियल। इसी तरीके से अब मैंने कहा कि यहां पर अब्स्ट्रैक्ट नाउन की वहां बहुत ही खूबसूरत वॉइस है, ही इज अ वेरी ब्यूटीफुल वॉइस, मैंने वहां इससे कहा। तो ब्यूटीफुल मतलब उसके फेस को पहचान करके उसको मैंने देख लिया कि ब्यूटीफुल। अब ब्यूटीफुल कौन सा नाउन है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। कौन सा नाउन है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। मैंने कहा कि मुझे काऊ चाहिए, काऊ का जन्म हुआ, तो बेसिकली काऊ कौन सा नाउन है बेटा? कॉमन नाउन। उस काऊ को भीड़ में छोड़ दिया गया, समूह में कलेक्टिव बन गई, और उसका एक व्यवस्थित नाम रख दिया गया कि मुझे नील कमल की काऊ चाहिए। नील कमल एक नाम हो गया। अब जब नाम हो जाता है किसी चीज का तो बेटा वो जो बनती है वो बनती है प्रॉपर नाउन। उस काऊ के टुकड़े कर देते हैं तो, या टुकड़े कर दिए, भागों में बांट दिया गया, तो मटन तो बन बेटा उसका क्या बन गया? इट्स ओके, टुकड़ों में विभाजित हो गई। तो अब जब खत्म हो जाती है तो बेटा उसका पदार्थ ही तो बनता है, इट्स ओके, तो कौन सा नाउन बन गई? मटेरियल नाउन, इट्स ओके। तो ऐसे आपको याद करना है। यदि हम बात करें किसी भी गोट की या किसी चीज को आप ले सकते हो, पूर्ण तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हो, तो आपको इस तरीके से पढ़ना है और इस तरीके से याद रखना है, इट्स ओके। चलते हैं आगे। अब आपको नाउन को पहचानना सीखना है, जितने भी ऐसे नाउन हैं उनको देख करके आप पहचान सकते हो। मैंने कहा कि मुझे डस्टर चाहिए, तो कॉमन है डस्टर। अभी मुझे रेड डस्टर चाहिए, रेड इसका नाम है, कंपनी नेम्स दिया गया है, तो ये कौन सा नाउन बन गई? प्रॉपर नाउन। कौन सा बन गया? प्रॉपर नाउन। अब यूज़ करेंगे हम, डाल लीजिए प्रॉपर नाउन एरर, कॉमन एरर डाल लीजिए।